हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 32। सो चलिए शुरू करते हैं, आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। सो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कूप, COUP, कूप। सो कूप होता है हमारा अ सडन वॉयलेंट सीजर ऑफ पावर फ्रॉम यानी कि गैर कानूनी तरीके से, हिंसक तरीके से परिवर्तन होना, गवर्नमेंट का छीन लेना। अ सडन वायलेंट सीजर ऑफ पावर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट छिन जाना एक हिंसक तरीके से। सो इसके ऑप्शंस है टेक ओवर, जैसे कि मिलिट्री शासन होता है ना वैसे। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक ओवर। टेक ओवर होता है एन एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज के ऊपर कंट्रोल ले लेना। एन एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज के ऊपर कंट्रोल ले लेना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल होता है हमारा अस्थिर, यानी कि चेंजेबल और वोलाटाइल, अस्थिर कोई भी चीज। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है टाउट, TOUT, टाउट। ये होता है अटेम्प्ट टू सेल, यानी कि कुछ भी चीज बेचने के लिए निकाल देना, अटेम्प्ट टू सेल। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्क्रूटिनाइज। सो ये होता है एग्जामिन और इंस्पेक्ट क्लोजली, यानी कि किसी चीज को बारीकी से एग्जामिन करना, बारीकी से देखना, इंस्पेक्ट करना किसी चीज को। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा कूप का, टेक ओवर। क्योंकि ये भी क्या होता है, गवर्नमेंट अ सडन वायलेंट सीजर ऑफ पावर फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से पावर छीन जाना, एक सडन वायलेंट सीजर। और टेक ओवर भी क्या हो जाता है, किसी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना, एन एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग कंट्रोल, अपने पावर में सत्ता ले लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोविनेंट। ये होता है एन एग्रीमेंट और ट्रीटी, कोई भी संधि, एन एग्रीमेंट और अ ट्रीटी। सो ऑप्शन है इसके सार्डोनिक होता है, ये होता है मोकिंग, यानी कि किसी का मजाक उड़ाना, हंसी मजाक उड़ाना, मोकिंग, तिरस्कारपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये होती है एक डील, कोई भी एक डील। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट हमारा, डील, दो पर्सन या दो पार्टीज के बीच में जो भी डील फाइनल होती है, कॉन्ट्रैक्ट फाइल होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेरेम्प्टोरी होता है आग्रह सूचक, यानी कि इम्पेरेटिव और इम्पीरियस, आज्ञा सूचक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा परफिडी। तो परफिडी होता है स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल, यानी कि किसी के साथ धोखेबाजी करना, स्टेट ऑफ बीइंग डिसीटफुल, धोखा देना, अनट्रस्टवर्दी। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, अग्रीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, एक डील, समझौता टाइप। नेक्स्ट वर्ड है मेरा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोवर्ट। सो कोवर्ट होता है नॉट ओपनली acknowledged और displayed, यानी कि किसी चीज का सामने ना आना, ओपनली डिस्प्ले ना करना। सो इसके ऑप्शन है पार्टीसन होता है, ये होता है सपोर्टर,
साथ देने वाला, सपोर्ट करने वाला, समर्थक, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, समर्थक। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बी, पेनिटेंट। सो पेनिटेंट होता है हमारा कॉन्ट्राइट, ये वर्ड पढ़ा हुआ है हमारा कॉन्ट्राइट, रिग्रेटफुल या फिर रेमोर्स, यानी कि घोर पछतावा, कुछ गलत काम कर दिया उसके बाद जो पछतावे वाली स्टेट पर पहुंच जाता है ना एक बंदा या बंदी, तो वो है ये कॉन्ट्राइट यानी रिग्रेटफुल, ठीक है, पछतावा होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवल्ज, ये होता है रिवील कर देना या फिर डिस्क्लोज कर देना, कोई भी बात, कोई भी चीज़ को खोल देना, रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, ठीक है। हमारा ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। लास्ट हमारा वर्ड है सीक्रेट। तो सीक्रेट क्या होता है, कोई भी चीज़ नॉट नोन और सीन, यानी कि कुछ भी चीज़ या कुछ भी बात को छुपा कर रखना, गुप्त रखना। जैसे ये लड़की है अपना चेहरा छुपा कर रखती है, कुछ और मुखौटा पहन के रखती है, सीक्रेट रखना। हमारा वर्ड क्या है, कोवर्ट था, तो कोवर्ट आप ऐसे याद रख सकते हैं कवर करके रखना, कवर इसमें बन रहा है COVER, कवर। कोवर्ट होता है कवर करके रखना, कोई भी चीज को डिस्प्ले नहीं करना, गुप्त रखना। तो इसका सिनोनिम हमारा क्या लग जाएगा, सीक्रेट। और इसका एंटोनिम क्या है हमारा यहाँ पे, डाइवल, यानी कि रिवील या डिस्क्लोज कर देना, यहाँ पे इसका एंटोनिम भी है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोवेट, COVET, कोवेट। अ डिजायर, वॉन्ट या विश, मतलब किसी चीज की इच्छा होना, वॉन्ट या विश होना, क्रेविंग भी बोल सकते हैं, क्रेव होना किसी चीज की। सो ऑप्शंस आर डिजायर, पहले ही ऑप्शन क्या है हमारा, डिजायर। डिजायर यानी कि इच्छा होना किसी चीज की, विश या फिर वॉन्ट भी लिख सकते हैं या फिर विल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लेगेसी। लेगेसी होता है, बीक्वेस्ट पढ़ा था हमने, कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी जो किसी के लिए छोड़ के चला जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, लेगेसी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा लॉर्ड, LALAUD, लॉर्ड, यानी कि प्रेज करना, किसी को प्रशंसा करना, प्रेज, हाईली। एक वर्ड है एक्सटॉल, उसका मीनिंग भी क्या होता है हमारा, प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना, हिंदी में क्या है, प्रशंसा। तो काफी वर्ड्स तो कॉमन है, आप आइडिया लगा सकते हैं, ऐसे ही करके आपको याद होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सएक्टिंग। एक्सएक्टिंग होता है डिमांडिंग। एक्सएक्टिंग यानी कि मांग करना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत डिमांडिंग होते हैं, ये चाहिए ये चाहिए, सो मांग करना, डिमांड करना, मांग। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, कोविट का, यानी कि डिजायर या वॉन्ट, सो इच्छा, डिजायर। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रेड्यूलस। सो क्रेड्यूलस क्या होता है हमारा, कोई भी ऐसा मतलब पर्सन जो कि बहुत सीधा साधा भोला भाला हो, जो बिल्कुल दूसरों की बातों में आ जाता हो, आसानी से धोखा खाने वाला, गुलीबल होता है इसका मीनिंग, यानी कि आसानी से धोखा खाने वाला या वाली, कोई भी हो सकता है ना। सो ऑप्शंस आर एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी है हमारा, ये है हमारा जरूरत, किसी भी चीज की अर्जेंट नीड, सो एन अर्जेंट नीड और डिमांड, यानी कि एकदम किसी चीज की अर्जेंट नीड है या डिमांड है, सो जरूरत। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डूबियस। सो डूबियस इज हेजिटेटिंग और डाउटिंग, यानी ये भी वही हो गया, डाउटफुल, संदेह से भरा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डैम्सल, ये होता है यंग अनमैरिड वुमेन, यानी कि एक कुंवारी महिला, ठीक है, अनमैरिड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गुलीबल। सो गुलीबल क्या होगा,
इजिली और ट्रिक्ड, यानी कि कोई पर्सन जो आसानी से डिसीव्ड हो जाए, यानी ठग जाए और ट्रिक्ड हो जाए, जिसके साथ आसानी से धोखा हो जाए। सो इसका परफेक्ट मीनिंग हमारा क्रेडुलस का क्या लगेगा, गुलीबल लगेगा, क्योंकि ये क्या होता है, आसानी से धोखा खाना या फिर ठग लेना किसी को, आसानी से टाइप होता है ये, भोला भाला है, सीधा, यानी कि किसी की सीधेपन का फायदा उठाने वाला। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्राइटेरियन? तो अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी, समथिंग मे बी डिसाइडेड। इसको हिंदी में बोलते हैं मापदंड, यानी कि एक होता है ना, मतलब किसी चीज़ के बेसिस पे कुछ डिसाइड करते हैं, सो वो मापदंड होता है, अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग मे बी डिसाइडेड, यानी किसी चीज़ के बेसिस पे हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं। सो ऑप्शंस आर स्टॉजी, ये होता है हमारा फूला हुआ, स्टॉजी, डी साइलेंट है इसका, यानी कि डिस्टेंड, यानी कि कोई भी चीज़ फूली हुई। नेक्स्ट मेरा ऑप्शन है कॉम्प्यूट, कॉम्प्यूट होता है, ये होता है कैलकुलेट करना कोई भी चीज़, कंप्यूटिंग, जो लिखा था ना कंप्यूटिंग, यानी कि कैलकुलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेल्व, ये होता है किसी चीज़ की खोज करना, सर्च फॉर समथिंग। लास्ट ऑप्शन है मेरा बेसिस, यानी कि ये है हमारा आधार, यानी कि कोई भी स्टैंडर्ड जिस बेस पे हम किसी चीज को अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, बेसिस मेरा। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, मेरा परफेक्ट ऑप्शन लग जाएगा बेसिस, यानी कि वो बेसिस या वो स्टैंडर्ड जिस पे हम किसी चीज को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रिप्टिक? सो क्रिप्टिक होता है, ये होता है कोई भी चीज गुप्त, यानी कि हैविंग हैविंग अ मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर, यानी कि कोई भी चीज गुप्त होना, हैविंग अ मीनिंग दैट इज मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर, यानी कि किसी चीज का ऐसा मीनिंग होना जो कि मिस्टीरियस है, रहस्यमय है या फिर ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर क्या होता है, हमारा हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में मुश्किल है। सो इसके ऑप्शन हैं एनिग्मेटिक, सो एनिग्मेटिक होता है यानी कि कोई भी चीज समझने में मुश्किल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड या फिर हार्ड टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई भी चीज़ समझने में बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कोमाटोज, सो कोमाटोज होता है रिलेटिंग टू और इन स्टेट ऑफ, तो कोमा जो स्टेट होती है ना, जिसमें बंदा मतलब लेटा रहता है, कोई हाथ पैर नहीं हिला सकता, लेकिन वो जिंदा होता है, तो वो जो कोमा वाली स्टेज होती है वो है ये कोमाटोज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इवानेसेंट, ये है कोई भी चीज शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पग्न, इम्पग्न है ये होता है किसी से बहस करना, तो ये डिस्प्यूटेबल हो गया, डिस्प्यूटेबल। सो हमारा इसका क्रिप्टिक का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा ऑप्शंस के बेसिस पे, एनिग्मेटिक यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कोई चीज रहस्यमयी है यानी कि समझने में मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो एट्थ वर्ड है हमारा कोटरी, सो कोटरी होता है हमारा अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट या टेस्ट, यानी कि एक छोटा समूह लोगों का जो अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, वो एक ग्रुप ऐसा बना हुआ है। सो इसके ऑप्शन है एलेक्सिर, ये क्या होता है मेरा अमृत,
मैजिकल और मेडिसिनल पोशन, POTION, पोशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डर्थ। सो डर्थ होता है किसी भी चीज की कमी, यानी कि या फिर स्केसिटी और लैक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज की कमी होना, शॉर्टेज, पॉसिटिव भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है डेफी, हमारा वर्शिप और रिगार्ड एज अ गॉड, यानी कि किसी कोई चीज जो पूजनीय हो, या फिर रिगार्ड एज अ गॉड, यानी कि किसी को हम भगवान का दर्जा दें अपनी जिंदगी में। जैसे वो गाना था ना, तुझ में रब दिखता है, तो वही है ये। सो वर्शिप और रिगार्ड एज अ गॉड, यानी कि किसी को भगवान की जगह देना। नेक्स्ट वर्ड है मेरा गैंग। सो गैंग है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ लोगों का समूह, ग्रुप। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, कोटरी का मेरा, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो कि गैंग होती है। नाइन्थ वर्ड आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्रेव। सो क्रेव, क्रेविंग तो सबको ही होती होगी, ये होता है फील अ पावरफुल डिजायर फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज की पावरफुल एकदम डिजायर होना, इच्छा होना, तो वो होता है मेरा क्रेव। यानी कि जैसे कि इसमें दिख रहा होगा आपको, ये पेस्ट्री है, सो क्रेविंग होना, किसी चीज की एकदम पावरफुल डिजायर होना। तो ऑप्शंस है मेरे एडी, अ, ये होता है अ सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी का ऐसा सर्कुलर मूवमेंट होना, जैसे कि उसमें होता है ना मशीन, वॉशिंग मशीन में पानी ऐसे ऐसे घूमता है। तो नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्लिच, ये होता है पैनल फ्रेज, यानी कि कोई भी बोरिंग बात, बोरिंग बासी मतलब उबी हुई बात। नेक्स्ट वर्ड है यर्न, यर्न होता है लालसा, किसी चीज की लालसा होना, डिजायर या वॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा बैरक। सो बैरक होता है, ये होता है इरेग्युलरली शेप्ड। सो हमारा जो वर्ड है क्रेव, इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा यर्न, यानी डिजायर होना। तो आज का 10 वर्ड और लास्ट वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कल्मिनेट। सो कल्मिनेट होता है रीच अ क्लाइमैक्स और पॉइंट ऑफ ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट। तो जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये यहाँ था और ये अपनी जिंदगी में यहाँ पहुंच चुका है। तो यानी कि रीच अ क्लाइमेक्स और अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, यानी कि अपनी जिंदगी में, मतलब किसी भी चीज में पीक पे पहुंचाना, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना। सो ऑप्शन है इसके नादिर, नादिर हमने पढ़ा हुआ है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पीक। सो पीक क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड है डिटैच्ड। तो डिटैच होता है मतलब अलग कर देना, सेपरेट कर देना, सेपरेट। लास्ट ऑप्शन है मेरा इम्पेल। इम्पेल क्या होता है, विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफिक्स और पियर्स विद अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, यानी कि किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट में छेद से छेद कर देना, इम्पेल।
सो कल्मिनेट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, ये भी हाईएस्ट पॉइंट है और पीक भी हमारा हाईएस्ट पॉइंट होता है. सो पीक नादिर क्या है, इसका एंटोनिम लग जाएगा लोएस्ट पॉइंट. सो 10 वर्ड्स हमारे आज के खत्म होते हैं. एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. सो ये है हमारे 10 वर्ड्स. सो फर्स्ट वर्ड है मेरा कूप, यानी कि टेक ओवर कर लेना किसी गवर्नमेंट से, उसकी पावर्स हिंसापूर्ण छीन लेना. नेक्स्ट वर्ड है कोविनेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई अग्रीमेंट होना, ट्रीटी होना, संधि किसी चीज की. नेक्स्ट वर्ड है मेरा कोवर्ट, यानी कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये सीक्रेट आएगा. सो कोवर्ट क्या पढ़ा था हमने, कवर कर लेना, COVER कवर, ये इसकी ट्रिक थी याद करने की, यानी कि किसी चीज को सीक्रेट रखना, गुप्त रखना. नेक्स्ट वर्ड है कोवेट, COVET, वो है हमारा डिजायर, यानी कि किसी चीज की इच्छा होना, विश या वॉन्ट. नेक्स्ट वर्ड है क्रेड्यूलस, यानी कि गुलीबल, कोई सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति जिसको आसानी से ठग लिया जाए. नेक्स्ट वर्ड है क्राइटेरियन, यानी कि बेसिस, यानी कि कोई एक ऐसा प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड जिसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके, मापदंड जिसे कहते हैं. सेवेंथ वर्ड है मेरा क्रिप्टिक, यानी कि एनिग्मेटिक, यानी कि कोई भी चीज रहस्यमयी हो, गुप्त हो, जो कि समझ ना आए, ऑब्सक्योर या फिर मिस्टीरियस. नेक्स्ट वर्ड है मेरा कोटी, यानी कि गैंग, यानी कि अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ छोटे लोगों का, मतलब छोटे कुछ लोगों का समूह. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है मेरा क्रेव, यानी कि यर्न, यानी कि किसी चीज की डिजायर होना, लालसा होना, इच्छा होना. लास्ट वर्ड है मेरा कल्मिनेट, यानी कि पीक, किसी चीज का हाइएस्ट पॉइंट. सो ये थे हमारे 10 वर्ड्स. सो आज का सेशन हमारा यहीं तक था. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.